ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो आज हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे पिवट टेबल के बारे में, लेकिन पिवट टेबल में हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट आपको करके दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है, एक दो डेटा है फिलहाल, एक डेटा ए है और एक डेटा हमारे पास ए है। मुझे दो डेटा है, इसमें से मुझे दोनों से रिपोर्ट तैयार करनी है। जी हाँ, मुझे दोनों से तैयार करनी है अटेंडेंस, राइट सर। दोनों में इनआउट कैसे हो गया? ये इन्होंने रख दिया है, तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम है या आईडी बोल लीजिए, आईडी है, और यहाँ पे स्कैन है। मतलब कि जैसे आप ऑफिस में घुसते हैं, तो ऑफिस में घुसते के साथ आपके सामने, आपके साथ क्या होता है कि आप कार्ड को टच करते हैं या फिर थंब इम्प्रेस करते हैं, तो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाता है। उसी का डेटा बेस है कि किस पर्सन ने कितने तारीख को, क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन से डूर ओपन होता है या फिर कार्ड एक्सेस से डूर ओपन होता है, तो हमें इसे अटेंडेंस वेरीफाई करना है, हमें इसमें अटेंडेंस को वेरीफाई करना है। तो कैसे अटेंडेंस वेरीफाई करेंगे इसमें? तो हमें एक अटेंडेंस बनाना है। तो चलिए हम पिवट टेबल की मदद से इसमें अटेंडेंस बनाते हैं। तो इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। तो सबसे पहले नेम का लिस्ट यहां रखते हैं, तो नेम का लिस्ट यहां आ गया। उसके बाद यहां पे स्कैन डेट को रखते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप हुआ, लेकिन क्योंकि मैं डेटा यूज कर रहा हूँ इसलिए ग्रुप दिख रहा है, वरना आपको इस तरह से दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे ग्रुप करना है डे बाय, मुझे एक यहाँ एक दिन का एक ही कॉलम में डेटा होना, रिपोर्ट होनी चाहिए। तो हमने इसको राइट क्लिक किया और यहीं पे कर दिया हमने ग्रुप। तो ग्रुप में हमने सेलेक्ट कर लिया डेज को, डेज, और यहाँ एक दिन का डेज रखते हैं एंड ओके। ये हमारा डेट आ गया। उसके बाद मैं यहां पे स्कैन डेट को ही रख देता हूं काउंट में, काउंट ऑफ स्कैन। तो जिस पे काउंट हो रहा है वो हमारा, जिस पे नंबर है उस दिन वो प्रेजेंट हुआ है, और जिस दिन नंबर ही, जैसे यहां पे ब्लैंक है, ये आपका ब्लैंक है, पुनीत 3 जून को, और रुचि भी 3 जून को ब्लैंक है। इसका मतलब है कि ये दिन ये अब इस तारीख को वो अब्सेंट थे, इस तारीख को क्या थे, अब्सेंट थे, इस कारण से। तो मुझे क्या करना है कि यहां पे 0 लाना है, राइट क्लिक या एब्सेंट के लिए मैं ए ला दूं, तो पिवट टेबल में गया और यहां ब्लैंक में हम यहां ए कर देते हैं, तो ए आ गया। अब मुझे इस पे आगे क्या करना है, जो ये नंबर्स आ रहा है, मुझे इस नंबर को नंबर नहीं पी प्रेजेंट को शो करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैं गया फॉर्मेट सेल में। आपको याद होगा जब मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाई थी उसमें ये चीज बताया था आपको कि यहाँ नंबर के लिए हमने पी कर दिया था। पहला स्थान होता है पॉजिटिव का, दूसरा स्थान होता है निगेटिव का, तीसरा होता है अब्सेंट का, जीरो का, तीसरा होता है आपका टेक्स्ट का। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा जीरो और चौथा टेक्स्ट। तो यहां पे निगेटिव इसमें होगा नहीं, इसको छोड़ दिया और यहां पे मैंने A4 अब्सेंट। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। अब यहाँ पे टोटल आ रहा था, मुझे इसमें टोटल रखना नहीं है क्योंकि टोटल में मुझे काउंट चाहिए ना, कि जैसे पूजा कितना देरी हुआ है, तो एक काउंट यहाँ तो दिखाएगा नहीं, बट में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गए और फिर यहाँ टोटल फिल्टर्स में हम यहाँ से टोटल, दोनों टोटल हटा देते हैं।
यहाँ पे देखिए दोनों टोटल हट गया, रिपोर्ट आपका तैयार हो गया। तो ये फैसिलिटी किसको समझ में नहीं आई? गुलशन जी, निकिता जी, पीयूष जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, आ गया सर। चलिए आगे बढ़े। आगे सर, समझ में। जी सर। अब मेरे पास दूसरा डेटा है, जिसमें मेरे पास इन और आउट है। अब मुझे हमें अटेंडेंस ही बनानी है, लेकिन मुझे उसमें प्रेजेंट अब्सेंट नहीं देना है। मुझे क्या करना है कि मुझे बताना है कि भाई मनी अपनी इस तारीख को इतने बजे आया और इतने बजे गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मनी जो है कई बार बाहर निकला है अंदर आया, मतलब हर पर्सन कई बार अंदर बाहर करते रहता है। तो सबसे पहले जो उसने कार्ड पंच किया हुआ वो उसका हो जाएगा इन टाइम, और सबसे लास्ट में जो कार्ड पंच किया होगा वो हो जाएगा उसका आउट टाइम। समझे? तो यहां पे हम पिवट टेबल में आते हैं एंड ओके करते हैं। अब यहां पे मैं डालता हूं नेम, और इन टाइम को मैं डाल देता हूं कॉलम में। और जैसा कि बताया था हमको ग्रुप करना होगा, तो राइट क्लिक करके हम ग्रुप पे जाते हैं। तो डिफॉल्ट सेकेंड मिनट आवर वगैरह होता है, इसको हटा के सिर्फ डे को सिलेक्ट कर लेते हैं, डे वाइज हो गया। उसके बाद मैंने इनको भी उठा के वैल्यू में रखा और आउट को उठा के भी वैल्यू में रखा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा कि इनमें जाऊंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, जहां पे काउंट है उसके जगह पे कर दूंगा मिनिमम, क्योंकि हम जानते हैं जो डेट और टाइम जो होता है वो नंबर्स में होते हैं। यहां पे हम मिनिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे हम आउट में जाएंगे और आउट को क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे। हो गया? और यहां पे लिख देते हैं इन, स्पेस दे देते हैं, और यहां पे देते हैं हम आउट, यहां भी स्पेस दे देते हैं। और लेकिन तो नंबर्स है, मुझे तो यहां पे डेट वगैरह चाहिए था, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यहां पे कंट्रोल सिर्फ एट द रेट टाइम फॉर्मेट में हमने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम ये नीचे का टोटल टोटल वगैरह है वो हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, रन टोटल हटा देता हूँ, ठीक है। बड़ा बोलोगे कि दोनों का डिफरेंस निकल जाए, तो पिवट टेबल से इन दोनों का डिफरेंस निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, समझे? क्योंकि पिवट टेबल पे जो कैलकुलेशन होती है वो मैक्सिमम सम के होता है, सम पे होता है, तो ये क्या करेगा, पूरा सम उठा लेगा। इसलिए अब यहां रो लेवल को मैं यहां पे नेम कर देता हूं, और यहां जो कॉलम इस तरह से बिखरे पड़े हैं तो राइट क्लिक करके हम पिवट टेबल ऑप्शन पे जाते हैं, मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर। और ये यहाँ जो ब्लैंक है इसके जगह पे मुझे अब्सेंट करना है, तो यहाँ पिवट टेबल ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ ए डाल देता हूँ, ब्लैंक जो पिवटी सेल होगा उसको शो ब्लैंक कर दिया था, वो अब्सेंट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे पिवट टेबल, इसमें पिवट टेबल आ रहा है, डिजाइन में चले जाइए, डिजाइन में एक अच्छा सा फॉर्मेट फॉर्मेट चूज कीजिए और अपना फॉर्मेट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ये आपका रिपोर्ट हो गया। अब इसके बिहाफ पे आगे हम कैलकुलेशन जो भी करना है वो हम कर लेंगे। तो क्या है कि बेसिक बताया था कि आपका पिवट टेबल 60% से 70% रिपोर्ट को ऑटोमेट करता है सर। हर एक चीज पिवट टेबल के अंदर नहीं हो सकती है, समझे? किसी को डाउट इस एग्जांपल में? नो सर। तो ये पिवट टेबल का हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम था। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पिवट टेबल पे हम इसी तरह से बनाते हैं। लेकिन मुझे मान लीजिए इसमें से अब्सेंट और ए भी चाहिए मुझे,
तो ये चीज तो पिवट में नहीं होगी, लेकिन इसको कॉपी करके बाहर ले जाएंगे तो वहां भी की जा सकती है, समझे। जी सर। अब जैसे कि मान लीजिए ना, एक काम करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। मुझे मैं यहाँ पिवट टेबल लाइव में जाता हूँ और यहाँ फिल आइटम से कैलकुलेटेड फिल, और यहाँ पे देता हूँ मैं आवर्स, यहाँ पे देता हूँ मैं मैक्स, मैक्स में हमने दे दिया आवर माइनस, हम यहाँ देते हैं मिन, में दे रहे थे इन। इसको ऐड करता हूं, अब यहां पे इसको राइट क्लिक करते हैं पिवट यहां पे फॉर्मेट सेल में, और इसको टाइम में 37:30:55 का टाइम देते हैं। ईमेल में इसको ऐड द रेट करता हूँ, नाइन थर्टी फाइव AM, 9 घंटा 35 मिनट, सही है, 23:11, 23:11 और ये आपका है 9:53, दोनों में से माइनस करना, लेटेस्ट माइनस 19, 13 घंटे आ रहा है ना यहाँ पे, देखिए 9 घंटे आ रहा है। लेकिन कुछ किया जा सकता है इसमें, जरूरी है कुछ करना। यहाँ पे सम ऑफ आवर आ गया ना, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे सम ऑफ आवर नहीं चाहिए मुझे, मैक्सिमम, एक मिनट, मैक्सिमम लगा के देखो ना यहाँ पे, फिर 35 भी आ रहा है। अच्छा मैं इसको मिनिमम करके देखता हूँ, नहीं फिर भी वही है, नहीं इसमें कुछ खास नहीं है। ये क्या किया है ना, जैसे नहीं समझे, तो ये पूजा का मैक्सिमम निकाला है, मिनिमम निकाला, फिर उसको यहां पे सम कर दिया है, इसलिए आप इस तरह से आ रहा है। अच्छा एक एक काम और करते हैं इसमें, कुछ ये ना, सर टोटल के लिए आ गया ना। हाँ टोटल कर दिया है सर, इसलिए ऐसी आ रही है ना। आइटम सेट यहाँ पे आवर्स यहाँ में मैं एक काम करता हूँ, मोड मोड में मैं देता हूँ मीन मैक्सिमम मैक्स इन, माइनस और देखते हैं क्या होता है, मेरी भी वही है। नहीं सर,
ड्यूरेशंस जो है वो ड्यूरेशंस नहीं आएगा, जैसे कि 9:35:53 AM में गया है और 11 PM में वापस आया है, तो 9 घंटे 35 मिनट बता रहा है। रात को 12 बजे गया है और सुबह 8 बजे आया। ठीक है सर, मैं इसका देखता हूँ कुछ, ठीक है।